गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मोटर डेवलपमेंट बचपन में किस प्रकार से बच्चों के अंतर्गत होता है, किस प्रकार से उनके सिर के क्षेत्र में विकास होता है, नेत्र की गति क्या होती है, हाथों का विकास कैसे होता है, पैरों का विकास कैसे होता है, आज की कक्षा में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्रियात्मक विकास से आप सभी परिचित हैं कि वो विकास जो कि शरीर की मांसपेशियों में शरीर की क्रियाओं को इस्तेमाल करते हुए प्रयुक्त तो हो रहा है, तो जितनी भी मसल्स को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट हो रहा है वो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी में इसे कहेंगे क्रियात्मक विकास। अब ये सब हमने पढ़ा था लॉज ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी कि विकासात्मक निर्देशन के नियम हैं, उसके अनुसार क्या हो, किस क्रम में विकास आगे होता है। तो क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर की तरफ होता है, उसके बाद आगे बढ़ेगा बॉडी की तरफ, यानी कि धड़ में होगा, फिर हाथों में और फिर पैरों में, और उसमें भी केंद्र की तरफ पहले होगा, और जो पेरिफेरी है या बाहर की तरफ की अंग हैं जैसे कि उंगलियां हैं, तो हाथों का पहले होगा, उंगलियों का बाद में विकास होगा। अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि बचपन की इस अवस्था में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास आगे बढ़ता है, उसी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन। हेड यानी कि सर के क्षेत्र में, यानी जो बच्चा है उसके सर के क्षेत्र में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है। तो अब सर में क्या क्या आ गया, सर में आंखें आ गईं, उसके फेशियल फीचर्स आ गए, यानी मुंह में जो उसका फेस आ गया, इंक्लूड हो गया, तो अब उसमें विकास कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखें आई मूवमेंट, यानी कि नेत्र गति। आई मूवमेंट आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है आंखें उसकी शुरू से देखते हैं, तो हम जो आंखों की गति है तो वो पुतलियाँ जो हैं वो जन्म से लेके 12 घंटे तक उसकी कोई खास मूवमेंट नहीं होती, तो जो बच्चा सोता ही रहता है ज़्यादातर उसकी आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो करीब एक दिन का बच्चा हो जाता है उसके बाद उसकी थोड़ी आई मूवमेंट होती है, गति होती है, आँख खोलता है वो थोड़ा सा। और जब 2-3 दिन हो जाते हैं, जन्म के 2-3 दिन गुजर जाते हैं, तब वो अपनी आँखों को खोलना और बंद करने में सक्षम हो पाता है, आराम से इसको यूज़ करने लगता है। और जब लेकिन इसमें भी अभी वो नज़र टिकाने में सक्षम नहीं है, तो जो बिल्कुल नवजात शिशु है वो अपनी नज़र किसी वस्तु पर टिका नहीं पाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता उसको क्या दिख रहा है। 3 महीने का जब ये बच्चा हो जाता है तब वो अपनी नज़र को केंद्रित कर पाता है, टिका पाता है। और वो आपने देखा होगा उस कई बार ये भी बच्चा होता है कि दोनों आई बॉल्स के बीच में, मतलब आँखों की दोनों पुतलियों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि ये वो टाइम है जबकि वो आँखों को टिकाने का प्रयास कर रहा है। तो जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो फिर वो आई कोऑर्डिनेशन कर पाता है, इसे कहते हैं नेत्र समन्वय। तो नेत्र गतियाँ 3 प्रकार की हो सकती हैं, इसको हम देखें तो गेसल ने 1954 में बताया था कि शिशुओं में किस तरीके की नेत्र गतियाँ होती हैं। 3 तरीकों में विभाजित उन्होंने किया था, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं। एक होती है समानांतर नेत्र गति, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट, ये 2 से 3 महीने के बच्चों को के अंतर्गत देखने में आती हैं। दूसरी होती है वर्टिकल आई मूवमेंट, वर्टिकल यानी कि लंबवत, तो लंबवत नेत्र गति जो कि सामान्यतः 3 से 4 महीने के शिशुओं में देखने को मिलती है। और तीसरी क्या हो गई, सर्कुलर आई मूवमेंट, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, जैसे कि एक गोलाकार जो आँख की क्रिया है वो औसतन 4 महीने का जब शिशु हो जाता है तब देखने में आती है। अब शुरू में जब प्रारंभिक समय में जब बच्चे की आँखों को नेत्र गति का विकास हो रहा है, उसकी क्रियाएं सबसे पहले कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले जो समानांतर नेत्र गति है उसका विकास हो, उस क्षमता का विकास होता है। तो बच्चा पहले कहाँ देखेगा, दाएं बाएं या बाएं से दाएं इस तरफ में देखता है, और आम तौर पे जब 2-3 महीने का बच्चा हो जाता है तब वो ये समानांतर नेत्र गति को देखने में सक्षम हो पाता है। उसके बाद कौन सी होती है, लंबवत, बिल्कुल इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब 3-4 महीने का हो जाता है बच्चा तो सेकेंड
टाइप की है कि समानांतर तो देख ही पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लंबवत। लंबवत कौन सी हो गई? जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ देख पा रहा है वो, तो वो लंबवत नेत्र गति है। जो उसकी 3 से 4 महीने का हो जाता है तब वो थोड़ी सी अच्छी टिक जाती है उसकी नज़र। और तीसरी, उसके बाद आगे एक स्टेप और इम्प्रूवमेंट होता है विकास का, और होता है वृत्ताकार नेत्र गति। ये जब 4 माह कंप्लीट हो जाते हैं बालक के, शिशु के, तब वो 4 महीने का जब हो जाता है तब वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में या गोलाकार डायरेक्शन दिशा में भी देख पाता है, उसकी नेत्र गति का विकास हो जाता है। तो आँखों को घुमा पाता है वो, घुमा पाता, और एक जो समन्वय स्थापित कर रहा होता है ना कि देख रहा है और आँख उस पर टिकी हुई है, वो जो समन्वय स्थापित करने की जो क्षमता है वो भी उसकी 4 महीने के बाद डेवलप हो जाती है। अगर शुरू में बच्चा अपनी नज़र को टिका भी नहीं पाता, जब 1-2 महीने का बच्चा होता है ना, शिशु होता है, तो क्या होता है आँखों की उसकी गति को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखोगे तो क्या पाओगे कि वो एक आँख से किसी एक चीज़ को और दूसरी आँख से दूसरी चीज़ को देख रहा है, तो उसकी अलग अलग डायरेक्शन में पुतलियाँ जा रही हैं आँख की। ये कारण क्यों है? क्योंकि बच्चे की आँख में शुरू में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, समन्वय स्थापित नहीं होता। तो इसलिए इस आपको देखने में लगेगा कि बच्चा भेंगा लग रहा है। भेंगापन होता है ना कि कहीं देख रहा है इधर और कहीं लग रहा है, केंद्र कहीं है और दिख कहीं रहा है, तो ये ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि वो अपनी आँख की पुतलियों को टिका नहीं पाता और ना ही वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित कर पाता है। लेकिन जब वो बच्चा 4-5 महीने का हो जाता है तब ये कोऑर्डिनेशन या ये समन्वय स्थापित कर पाता है, और फिर 4-5 महीने के पश्चात वो सब तीनों क्रियाओं में एक समन्वय स्थापित करके ऊपर नीचे भी देख पाता है, अगल बगल लेफ्ट राइट भी देख पाता है, और सर्कुलर डायरेक्शन में गोलाकार दिशा में भी देख पाता है। तो इस प्रकार से ये आई मूवमेंट हो गई। दूसरी क्रिया हम देखें मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती है स्माइलिंग या मुस्कुराना। बच्चा तो मुस्कुराता है, आपने देखा होगा बच्चा जब नवजात शिशु जब पैदा होता है तब भी बहुत से बच्चे मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं। तो ये एक जन्मजात क्रिया है जो शुरू से ही नवजात शिशु में दिखती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब में दिखे। औसतन रूप से दिखती है और 1 सप्ताह के अंतर, जब तक 1 वीक का बच्चा कंप्लीट होने लगता है तब दिखता है। थोड़ा सा उसके गाल पे, उसकी चिन पे आप टच करें तो वो स्माइल देता है। तो जब 3 से 4 महीने का हो जाता है बच्चा तब वो अच्छे से सोशल स्माइल देता है, जिसमें कि उसको देख के बच्चा, आपने आमतौर पे देखा होगा कि 4 महीने का जो बच्चा होता है उसको उसके साथ खेलने खिलाने में आपको उसकी तरफ से प्रतिक्रिया मिलती है। तो वो स्माइल एक बहुत ही नेचुरल सा है जिसमें उसके चेहरे के मांसपेशियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, फेशियल मसल्स यूज़ हो रहे हैं और वो स्माइल कर रहा है। तो ये गॉड गिफ्टेड है मोटर स्किल्स, इसमें धीरे धीरे वो और पारंगत होता जाता है और उसको यूज़ करता जाता है, एक प्रतिक्रिया के रूप में वो देने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तीसरा जो इफ़ेक्ट आता है, तीसरा जो मोटर डेवलपमेंट का बिंदु है वो है अपने सर को उठाना। बच्चा सर अपना कैसे हैंडल कर पाता है? छोटे जो नवजात शिशु है उसका सिर टिक नहीं पाता। अगर आपने हमेशा देखा होगा कोई छोटे से शिशु को अगर आपने गोद में उठाया है तो वो बच्चे के सर को आपको सपोर्ट देना होता है, क्योंकि वो खुद सक्षम नहीं होता अपने सर को संभालने के लिए। तो इसको कहते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ हेड। तो जब जन्म के समय बिल्कुल भी वो परिपक्व नहीं होती, उसकी जो सिर की मांसपेशियाँ होती हैं अविकसित होती हैं, तो अगर उसकी गर्दन को सपोर्ट नहीं दिया जाए, सर को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तो उसका सर इधर उधर लुढ़कने लगता है। तो बहुत केयर से, बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक उसको, उसके सर को हैंडल करना पड़ता है जब भी, जो भी माता पिता या जो भी व्यक्ति उसे गोद में ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे बबच्चा बड़ा होता है ना, शिशु बड़ा होता है, 3-4 महीने का जब वो हो जाता है तब वो चीज़ें संभालने लगता है, क्योंकि उसकी जो सिर की मांसपेशियां हैं वो विकसित होने लगती हैं। तो जब मसल्स हेड के डेवलप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो उसके अंदर हेड लिफ्ट करने की जो क्षमता है वो आ जाएगी। तो फिर आम तौर पे एक औसत विकास के क्रम को हम देखें
तो 3 से 4 महीने का जब वो बच्चा होता है तो वो अपने सर को संभालने लगता है, तो ही स्टार्ट्स लिफ्टिंग अप हिज हेड। और जब वो 5-6 महीने का होता है तब वो, क्योंकि परिपक्व हो रहा है तो वो उस विकास की क्रियाओं में और पारंगतता हासिल कर रहा है, तो फिर क्या होता है 5 से 6 महीने में वो अपने सर को घुमा भी पाता है, जिसे हम कहते हैं टर्निंग ऑफ हेड। तो अपने इधर देखना, आपने आवाज़ की खिलौने से कोई तरफ, तो वो उस डायरेक्शन में देखने के लिए अपने सर को घुमा लेता है। तो ये स्थिति कब आ रही है, ये 5 से 6 महीने में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है, ये रिसर्चेस में शो किया हुआ है कि जो 1 महीने का बच्चा होता है, अगर उसे आपने पेट के बल लिटा दिया बिस्तर पे, तो वो अपनी गर्दन को उचकाता है, तो थोड़ा थोड़ा उठाने लगता है वो सर। और जब 2 महीने का होता है तो वो सिर को करीब करीब 30 डिग्री के एंगल पे बना लेता है, थोड़ा सा उठाना और शुरू कर देता है। 5-6 महीने का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब वो 5-6 महीने का हो जाएगा तब वो पूरा उसके अंदर कंट्रोल नियंत्रण हासिल कर पाता है, और वो बच्चा सर को घुमाना, टर्न करना, आवाज़ के हिसाब से घूमना, ये शुरू कर देता है। टर्निंग और रोलिंग, पलटना या लुढ़कना, इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो, टर्निंग यानी कि पलटना, रोलिंग यानी कि लुढ़कना। बच्चे बहुत करते हैं, सीधा लिटाया उल्टे पलट जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, बिस्तर का सहारा लेके नीचे उतरने की कोशिश करेंगे या गिर जाएंगे बिस्तर पे, क्योंकि वो लुढ़कना और टर्न करना, पलटना शुरू कर देते हैं। जब वो नवजात होता है ना, नवजात शिशु तो एक बिल्कुल क्या कहें कि एक हेल्पलेस टाइप का होता है या असहाय होता है, बिल्कुल भी वो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी शरीर के पेशियों के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सके, वो आश्रित होता है। तो इसलिए आपने जैसे लिटा दिया नवजात शिशु, वो उसी डायरेक्शन में रहता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा सरक नहीं पाता, पलट नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो, क्योंकि विकसित हो रही हैं, क्रियात्मक विकास हो रहा है, तो फिर जब वो 2 महीने का होता है तब वो करवट ले पाता है पीठ के बल, तो पीठ के बल पलट जाएगा, करवट ले पाएगा। 4 महीने का जो बच्चा होगा वो पीठ की ओर से करवट ले पाता है, और जब बच्चा 6 महीने का होगा तो वो लेफ्ट राइट कोई भी दिशा में करवट ले सकता है, हिला सकता है, टर्न कर सकता है अपने शरीर को। और ये जो घुमाने की प्रक्रिया है, क्योंकि 4 महीने का होएगा तो उसके सर पे कंट्रोल भी, सर की पेशियों पे भी कंट्रोल उसका काफ़ी स्थापित हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो सर भी घुमा पाता है, करवट भी ले पाता है। अब नेक्स्ट क्रिया आप देखिए, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत सिटिंग या बैठना कह सकते हैं हम इसे। जब 4 महीने का बच्चा होता है ना शिशु, तो वो आप उसे बिठाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ी देर आप सपोर्ट लगा दो, कुशन लगा दो, तकिए लगा दो आसपास बिस्तर पे, तो वो 4 महीने का थोड़ी देर बैठ सकता है, वरना वो मतलब फिर भी थोड़ी सी देर आप सपोर्ट दो, लेकिन आपको देखेंगे वो आगे की तरफ लुढ़क रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल स्थापित नहीं हुआ। थोड़ा और मैच्योर होता है जब 5 महीने का होने लगता है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर बैठने की क्षमता आ जाती है, सहारे से बैठ पाता है, लेकिन सर को अभी भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कब कंट्रोल कर पाता है, जब वो 6 महीने का होता है। तो जब 6-7 महीने का बच्चा हो गया शिशु, तब वो थोड़ी देर और उसकी क्षमता बढ़ती है, और कुशन्स के सहारे से आराम से वो बैठे रहता है। जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है तब वो बिना सहारे के भी बैठ सकता है, और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी बैठ सकता है। और उसके ऊपर तो फिर वो, क्योंकि अब फिर चलने वाली क्रियाएं और दूसरी क्रियाएं प्रारंभ होने लगेंगी, तो इसीलिए ये क्या कहें कि बच्चे की सारी मसल्स और डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तो बैठने में वो अच्छा नियंत्रण स्थापित कर पाता है। 9 महीने से ज़्यादा जब वो बच्चा हो गया तो बिना सहारे के आराम से बैठ पाता है, और करीब 1.5-2 साल का वो हो जाता है, तो फिर वो आम तौर पे सामान्य बच्चे 1 साल के बाद चलना भी शुरू कर देते हैं। अब ये फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं बच्चों में, विकास में। कोई बच्चे हो सकता है 10 महीने पे ही पकड़ के चलना शुरू कर दें, खड़े होना शुरू कर दें, और कोई बच्चे हो सकता है कि 12 महीने के बाद भी ना करें।
तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन औसतन एक साल में बच्चा पकड़ के खड़े होना तो आराम से शुरू कर देता है और अपना ब्लैडर कंट्रोल सीख जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है जब करीब करीब 1.5-2 साल का वो बच्चा होता है तो ये कंट्रोल होने लगता है उसका और धीरे धीरे वो क्या कहें आत्मनिर्भर बनने की ओर केंद्रित होने लगता है। ठीक है, तो ये इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको इसको साथ साथ पढ़ने में समस्या नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े हम, आगे क्या है मोटर डेवलपमेंट हाथों में कैसे हो रहा है, आर्म्स में और हैंड्स में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास हो रहा है उसको अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो पकड़ने की क्रिया का विकास हो रहा है, क्या क्या क्रिया हो रही है, सबसे पहले आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें आँखों के साथ हाथ का समन्वय स्थापित हो जाता है, जो चीज़ आपने पकड़ाई बच्चे ने वो पकड़ ली, पकड़ने के बाद वो क्या करता है सीधा मुंह में डालने लगता है, तो ये एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स होता है बच्चे का। तो ये जो सीक्वेंस क्या होता है, किस सीक्वेंस में ये बच्चे का जो क्रियात्मक विकास हो रहा है कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए उसको देखें हम, सबसे पहला आ जाता है हाथ फैलाना, या इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं रीचिंग हैंड्स। तो कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना हाथ फैलाएगा और वो हाथ फैलाते हुए अपने जो आर्म्स हैं, जो हाथ हैं उनको बिल्कुल सीधा नहीं रखेगा, लेकिन हाथ से झटके मारेगा सीधे, मतलब हाथ पूरा। आपने कोई छोटे बच्चे को आप देखो, जब भी कोई उसको रंगीन खिलौना या कोई भी ऐसी चीज़ कलर्स वाली आपने उसको दिखाई, तो वो उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को झटकेगा, आगे की तरफ फैलाएगा, इसी को हाथ फैलाना कहते हैं। तो पकड़ने की क्रिया में सबसे पहले वो क्या क्या यूज़ कर रहा है, वो अपने आर्म्स यानी कि भुजाएं यूज़ कर रहा है, अपनी कोहनी यूज़ कर रहा है, अपनी कलाई यूज़ कर रहा है और लास्ट में यूज़ कर रहा है वो अपनी उंगलियां। तो फिर क्या करेगा, वो छुएगा, तो छूना यानी कि टचिंग। अब वस्तु को पकड़ने की क्रिया में वो क्या करेगा, टच करेगा उसे। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो फिर वो क्या करता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको टच करके देखना चाहता है और फिर उसको पकड़ता भी है, कुछ कीड़ा भी है तो उसको पकड़ने, छोटा बच्चा पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, मतलब ट्राई करेगा, अगर कीड़े ने उसको काट दिया तो फिर क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा ये कुछ मेरे लिए हार्मफुल चीज़ है, इसको मुझे नहीं छेड़ना है, या मोमबत्ती दीपक कुछ जल रहा है उसमें उसने हाथ डाला, उसका हाथ जला, तो उसे समझ में आता है कि ये क्रिया मुझे नहीं करनी है, तो करके सीखता है वो ये चीज़ें अपने आप एक्टिविटी से करता है। तो हाथ फैलाने के बाद उस चीज़ को टच करना होता है और तीसरी स्टेज आ जाती है उसकी, वस्तु को पकड़ना। तो जब 7-8 महीने का बच्चा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, खट से झपट्टा मार के, आपने उसे कोई चीज़ पे दिखा रहे हैं, हिला रहे हैं, तो क्या होगा, उसको पकड़ने के लिए अपनी हथेलियों को आगे करके अपनी ग्रास्प कर लेगा, उस पर अपनी पकड़ बना लेगा। तो वस्तु को पकड़ना कहेंगे और उसके बाद आ जाएगा ग्रिपिंग यानी कि मुट्ठी में पकड़ना। ये करीब 7-8 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तब हो जाएगा कि आप उसको अंगूठे उंगलियां, क्योंकि उसका विकास हो गया पूरे हैंड्स की, हाथों की फिंगर्स का, तो इसीलिए लिम्स का विकास हो गया है, तो फिर वो उन चीज़ों को पकड़ने में करीब 7-8 महीने का जब वो हो जाता है तब वो सक्षम हो पाता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ जो भी बच्चा है उसको टच करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, उसको टच करने के बाद अपनी लास्ट में अपनी फिंगर टिप्स, उंगलियों की जो सिरे हैं उसका इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके बाद पकड़ के उसे क्या करता है, सामान्यतः अपने छोटा बच्चा आप हमेशा देखेंगे मुंह की तरफ हर चीज़ ले जाता है, तो आप उसे खाना भी देंगे तो पहले वो हाथ से उस खाने को पकड़ेगा, सीधा फिंगर टिप्स का यूज़ नहीं करेगा वो। ठीक है, जब वो 2 साल का हो जाएगा तब ज़रूर वो हाथों का, क्योंकि उसका भी समन्वय स्थापित हो जाता है, भोजन करना ठीक से सीख पाता है, पेंसिल भी पकड़ पाता है 2 साल का बच्चा, तो तब वो ये सब काम करने में सक्षम है। तो आज इस प्रकार से हमने शरीर क्रियात्मक विकास जो बचपन में बच्चे के 1-1.5-2 साल तक की अवधि में होता है उसको हमने देखा, और अपेक्षा करती हूँ कि ये विषय आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अगर फिर भी कोई शंका रहती है, कोई संशय रहता है, तो आप ज़रूर
कमेंट्स में अपने अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा ले लूँगी और साथ ही साथ जो नोट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी उसको भी गो थ्रू होइए, उसे पढ़िए अच्छे से, और फिर भी कोई टॉपिक अगर रहता है जो आपको नहीं समझ में आया, इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप लिखिए व्हाट्सएप पर या फिर कॉमेंट में, जिससे कि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूँ। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नया नया कुछ जानते रहिए, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, उसको जागृत रखिए। और ये जो समय है, मैं कहूँगी कि ये जो एक विषम परिस्थितियाँ हैं, इसमें अपनी अभिव्यक्ति को, अपने कौशलों को और विकसित करने की चेष्टा कीजिए और उतना ही ध्यान अपनी लर्निंग पे लगाइए। धन्यवाद।